Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एआर किंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अदर एप्लीकेशन को अपने विंडोज़ पीसी लैपटॉप में कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अज़र जो है ऑनलाइन वीडियो चैटिंग ऐप है जो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए जो है बनाया गया है, लेकिन इसका जो विंडोज़ और पीसी के लिए कोई भी वर्जन नहीं बनाया गया है। तो इसको रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू जो है हम अज़र को रन कर पाएंगे। तो बेसिकली जो है हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसके थ्रू सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और गेम जो है वो रन होंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, यहाँ पर जो है टाइप करना है ब्लू स्टॉक। तो दोस्तों, उसके बाद डाउनलोड ब्लू स्टॉक पर क्लिक कर लें और यहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी एमबी की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद जो है यहाँ पर आप क्लोज करें और डाउनलोड फोल्डर पर जाए, यहाँ से इसको ओपन कर लें। तो बाकी की जो डाउनलोडिंग होगी वो यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो है आपके पास 5GB की स्टोरेज और स्पेस होना ज़रूरी है किसी भी हार्ड डिस्क पे। अगर आपके पास स्पेस कम हो तो यहाँ से आप जो है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके जो है अपना जो कि इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है उसको चेंज कर सकते हैं। तो जिसके आप जैसे कि यहाँ पर मेरे पास डिस्क सी में जो है स्पेस कम है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ किसी दूसरी डिस्क में, ठीक है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है आप फोल्डर पर क्लिक कर लें, ठीक है। तो फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आप पीसी पे जाएं और अपना जो है वो इंस्टॉलेशन जो कि डायरेक्टरी है उसको चेंज कर लें। तो यहाँ पर मैं डिस्क ई में इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर लें। तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा थोड़ा सा जो है वो डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए जो है ये जो है 80MB से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ और जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लू स्टॉक जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर जो है आज के आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने सर्च बार पर जाना है और यहाँ पर जो है आपने सर्च करना है अज़र, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सर्च बार में अज़र टाइप कर लें। तो यहाँ से जो है मैंने टाइप करके सर्च कर लिया, तो यहाँ पर जो है वो सर्च हो रहा है। तो जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ओपन हो चुका है, लेकिन जो है ये होम स्क्रीन है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है सर्च इन गूगल प्ले, ठीक है। तो आपने गूगल प्ले स्टोर से जो है वो सर्च करना है। तो इसके लिए आपने ये नीचे वाला ऑप्शन जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो अपने गूगल अकाउंट से जो है वो साइन इन करना है। तो इसके लिए आपने जो यहाँ पर साइन इन विद गूगल अकाउंट कर लें। तो गूगल अकाउंट जो है वो मस्ट है, आप उसको लॉगिन करेंगे, उसके बगैर जो है आपका ये डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रहा है, यहाँ से जो है मैं अपना गूगल अकाउंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है अपना गूगल अकाउंट का ईमेल एंटर करें, तो यहाँ पर मैं ईमेल एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट करके पासवर्ड भी एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करके यहाँ पर जो है मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए जो अपना ईमेल जो है और पासवर्ड जो है वो हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप अपना पासवर्ड ईमेल सब कुछ दे दें। तो ये जो है अभी लॉगिन हो रहा है, तो यहाँ पर आप नीचे सब कुछ जो है वो यस और स्किप करके जो है आप लॉगिन कर लें। तो इसको मैं एग्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी लॉगिन हो रहा है, यहाँ से भी जो है आप मोर पर क्लिक कर ले एक्सेप्ट और यहाँ से जो है आपका जो है गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर ओपन होने के बाद जो है आपके पास अज़र ओपन हो जाएगा डायरेक्टली,
या फिर आप ऊपर सर्च में भी देख सकते हैं। तो अज़र ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लें और यहाँ से जो है आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से मैं जो है वीडियो को स्किप कर लेता हूँ और जब इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाए मैं बताऊँगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो अज़र सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है होम स्क्रीन में जो है अज़र आइकन शो हो रहा है। तो इंस्टॉल होने के बाद आप इसको इजीली जस्ट ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो है आपके पास अज़र ऐप जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अज़र ऐप ओपन हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो है हमने सक्सेसफुली जो है पीसी के अंदर विंडोज़ के अंदर जो है अज़र ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर जो है अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर फेसबुक के साथ जीमेल अकाउंट जो भी आपका ओल्ड अकाउंट हो उसको लॉगिन करके जो है आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस यहाँ पर जो है हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो है मैं हमेशा जो है हेल्पिंग वीडियोस जो है और ट्यूटोरियल्स वीडियोस जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।